हेलो गाइस, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजी स्टडी आर्ट। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज ये अजंता टॉपिक की लास्ट क्लास है और इसके बाद हम अजंता टॉपिक के एमसीक्यूज को देखेंगे। गाइस, अगर आप भी टीजीटी पीजीटी DSSSB या आर्ट से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए। यहाँ आपको इंडियन और वेस्टर्न आर्ट का फुल कोर्स फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा और इस चैनल पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। आज हम पढ़ेंगे अजंता गुफा का पार्ट 3। इससे पहले वाली क्लास में हम गुफाओं को शॉर्ट से पढ़ चुके हैं और आज हम इन गुफाओं को एक एक करके डिटेल से देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुफा नंबर 1, यह एक सुरक्षित विहार है और अजंता का सबसे सुंदर गुहा मंदिर है। प्रवेश द्वार 3 सुंदर कैरियों से सुसज्जित है, जिनमें गंगा यमुना की मूर्तियों सहित लताओं पत्तों आदि के बीच अनेक आकृतियां शोभायमान हैं। यह सर्वाधिक अलंकरण गुफा है। गाइज, मैंने वीडियो के बीच बीच में फोटोज़ भी डाल दी हैं, ताकि आप चित्रों को देखकर उनको अच्छे तरीके से समझ सकें। अब हम पढ़ेंगे गुफा नंबर 2 को। गुफा नंबर 2, यह विहार गुफा प्रथम गुफा मंदिर से थोड़ा छोटा है, अन्य बातें समान हैं। इसका निर्माण एवं अलंकरण वाकाटकोत्तर काल में हुआ था, जो इसके अभिलेखों तथा अक्षर रचना से प्रतीत होता है। स्तंभ के सहारे खड़ी हुई एक स्त्री का बहुत सुंदर चित्र इसी गुफा में मिला है। बड़े आराम से यह स्त्री खंभे से कमर तथा पैर लगाए खड़ी है, उंगलियों पर कुछ हिसाब लगा रही है। इस चित्र में एक कमी रह गई है कि दोनों पैर के अंगूठे एक ही ओर बनाए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे गुफा नंबर 9 को। गुफा नंबर 9, ये गुफा हिन्यान संप्रदाय से संबंधित है। ये गुफा सबसे प्राचीन है और यह एक चैत्य गुफा है। इसका निर्माण 200 से 500 ईस्वी तक माना जाता है। इस गुफा में एक संगीत शाला है। इस गुफा मंदिर को काष्ठ कला की सुंदर कृतियों से सजाया गया है। यहाँ के चित्र सातवाहन काल की कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इस गुफा में ठोस वर्गाकार हर्मिका निर्मित की गई है। मैंने बीच बीच में आपके लिए इमेजेस भी डाली हैं, ताकि आप इन इमेजेस को देखें और अच्छे से समझ सकें। अब हम पढ़ेंगे गुफा नंबर 10 को। गुफा नंबर दस का समय 300 से 226 ईसा पूर्व माना जाता है। यह सबसे प्राचीन गुफा है। यह वही गुफा है जिसे अंग्रेज सैनिकों ने ल्यू पॉइंट से देखा था। इस गुफा में हिन्यान और महायान अजंता के प्रारंभिक चित्र देखने को मिलते हैं। यहाँ श्याम जातक का एक चित्र मिलता है। इसकी आकृतियाँ बहुत कुछ बरहुत कला से मिलती हैं। गाइस, मैंने बीच बीच में इमेजेस भी डाली हैं, ताकि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। अब हम पढ़ेंगे गुफा नंबर 16 को। गुफा नंबर 16 का निर्माण वाकाटक वंश राजा हरिशयन के राज्य काल में ईस्वी सन 500 के लगभग हुआ था। इस स्थापत्य में खंभों से बने कक्ष हैं, जो एक नई शैली का संकेत देते हैं। इस गुफा के चार दृश्य जिन्हें देखकर भगवान बुद्ध को वैराग्य प्राप्त हुआ था। चित्र नंबर 1 शव यात्रा, चित्र नंबर 2 वृद्ध पुरुष, चित्र नंबर 3 ताड़िक बैल, चित्र नंबर 4 सन्यासी। गुफा मंदिर 16 की ओर जाने वाली सीढ़ियों को दो हाथियों के शिल्प ने भव्यता प्रदान की है। इस गुफा का एक प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी है, जिसकी प्रशंसा में
फर्ग्यूसन तथा ग्रिफिक्स ने कहा है। फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता है, वह पेरिस का कलाकार इससे अच्छा रंग भर सकता है, परंतु दोनों में से कोई भी भाव अभिव्यंजना नहीं कर सकता। अब हम पढ़ेंगे गुफा नंबर 17 को। डॉक्टर वर्गस के अनुसार इस गुफा में 61 चित्रों का वर्णन है। इस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं। ये गुफा आकार में 16वीं गुफा के समान है। इन दोनों गुफाओं का समय समान है। नीले रंग का प्रयोग गुफा नंबर 16 व 17 से शुरू हुआ है। इससे पहले अजंता की और किसी भी गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहते हैं, क्योंकि इस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। अब हम सभी गुफाओं के महत्वपूर्ण चित्रों को एक एक करके देखेंगे। गुफा नंबर 1 के चित्र हैं बोधिसत्व पद्मपाणि, श्रावस्ती का चमत्कार, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, शिवी जातक, चंप्या जातक, छतों में कमल व हंसों का अलंकरण, बैलों की लड़ाई, प्रेमी युगल। गुफा नंबर 2 के महत्वपूर्ण चित्र हैं झूला झूलती राजकुमारी, शर्मनाश, प्राणों की भिक्षा, तुषित चित्र, मरणासन राजकुमारी, तुषित स्वर्ग में बोधिसत्व, महामाया का स्वप्न, बुद्ध का जन्म, श्रावस्ती का चमत्कार, दो बाएं अंगूठे वाली रमणी, महाहंस जातक, विधुर पंडित। गुफा नंबर 16 के महत्वपूर्ण चित्र हैं धनुराभ्यास, मरणासन राजकुमारी, अजात शत्रु, सुजाता की खीर, बुद्ध की भेंट, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का गृह त्याग, माया देवी का स्वरूप, बुद्ध की भेंट, बुद्ध का जन्म, बुद्ध उपदेश आदि। गुफा नंबर 17 के महत्वपूर्ण चित्र है यशोदरा की भिक्षा, इसी को हम राहुल समर्पण या माता पुत्र का चित्र भी कहते हैं। यशोदरा की भिक्षा इसी चित्र को हम राहुल समर्पण और माता पुत्र के चित्र के नाम से जानते हैं। महाकपि जातक, मत्स्य जातक, मृग जातक, विलासी वैराग्य, पागल हाथी पर अंकुश, उड़ती हुई गंधर्व अप्सरा तथा इंद्र का अंकन, श्रृंगार व राजकुमारी, सिंहला वादन, महाकपि जातक। गुफा नंबर 9 के महत्वपूर्ण चित्र है नागराजा, पशुओं का खेदा, स्तूप पूजा, शंख सहनाई, झांझ मृदंग बजाते वादक, एक बैठी स्त्री। इस चित्र को जॉन ग्रिफिक्स ने खोजा था। गुफा नंबर 10 के महत्वपूर्ण चित्र है बोधि वृक्ष पूजा, साम जातक, छदंत जातक, एक जुलूस, राजा तथा उनका दल। अब हम पढ़ेंगे अजंता चित्रों की विशेषताएं। भित्ति चित्रण, रेखा का महत्व, केवल रेखा द्वारा भाव प्रदर्शन इनकी मुख्य विशेषता है। भाव की व्यंजना, रंग योजना, आध्यात्मिक एवं भौतिक चित्रण, भाव प्रदर्शन, विषय की पुनरावृत्ति, प्रमुख लक्ष्य, छत अलंकरण, कला अलंकृत, चित्रों का संयोजन, केश विन्यास, प्राकृतिक चित्रण, प्रतीकात्मक रूप, मुख्य आकृति बड़ी व अन्य आकृति छोटी, 20 प्रकार की रेखा शैलियां आदि अजंता चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। थैंक्स गाइस फॉर वॉच द वीडियो। गाइस, अगर आपको मेरी क्लास और मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो गाइस, थैंक यू।